जी हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आ जाए हैं। हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रेगुलर मुलाजिम हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमारी जो सैलरी है वो रेगुलर बेसिस में नहीं आती है। हमको ये कभी 3 महीने की निकलती है, कभी 2 महीने की निकलती है, कभी आज तो हमारी सैलरी पिछले 4 महीने से बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। हम अपनी जो हमारी डिमांड है, हम अपने जो हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं, हम उनके पास गए थे कि हमारी सैलरी का बजट का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि अभी तक आपके बजट का कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आपकी बजट आई है या नहीं आई है। यहाँ से एक तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, मार्च आने वाला है, अगर ये हमारी जो सैलरी जो है ये पेंडिंग रही तो फिर हमको ये पता नहीं कब ये दोबारा लेनी पड़ेगी ये सैलरी। इसलिए और सबसे ज़्यादा भी है कि हमारे जो घर में हमारे पास बच्चों को फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे बैंक्स के लोन्स अदा करने के लिए पैसे नहीं है। हम इसलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए आज। हमारी जो हमारा हम फैमिली वेलफेयर जो है ये सेंटर स्पॉन्सर्ड जो है वहाँ से बजट आती है, हमारी 80% सेंटर देती है, 20% वो स्टेट से लेते हैं। मगर अब हमने हमारे सुनने में आया है कि सेंटर ने वो बजट बंद किया है 80%, वो स्टेट को बोल रहा है कि आप ये अपने एक्सपेंसेस से इनको सैलरी दे दो। बीच में सेंटर और स्टेट के बीच में हम फैमिली वेलफेयर के मुलाजिम पिस रहे हैं। हमने कोविड के दौरान गधों की तरह काम किया, हमने अपनी जानों पे का सोने ही सोचा, और हम जो मुलाजिम थे फैमिली वेलफेयर के या नॉर्मल हेल्थ के भी, हम एक एक MPW तीन चार बार कोविड पॉजिटिव होके आ गई, फिर भी हम शाना बशाना चल रहे थे इस कोविड को दूर करने के लिए। लेकिन अफसोस है कि हमको अपनी सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है। हमारी सैलरी वंस फॉर ऑल हमारा जो मसला है वो हल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आज 4 महीने की निकलेगी, फिर 2 महीने की फिर बंद हो जाएगी। ये वंस फॉर ऑल हमारा मसला हल होना चाहिए सर। इसलिए सैलरी हमारी नहीं हुई पिछले 4 महीने से, हमें बैंक का लोन भी है, बच्चे भी पढ़ते हैं, बार बार हमें सड़कों पर आना पड़ता है, इसीलिए आना पड़ता है, मजबूर है, हर कुछ काम हम करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसके बावजूद 22-10 की सैलरी निकलती है मंथली, 22-11 की मंथली सैलरी नहीं आती। मेहरबानी कर गवर्नर सर से हमारी अपील है, जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी, आगे से रमज़ान का महीना आ रहा है, बच्चों को वर्दी लानी है, उनकी फीस भरनी है, हमारी सैलरी की जाए रिलीज़। बस।